हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? अभी सुबह के 9 बजे हैं और आज शाम को मुझे यहाँ से आगरा निकलना है और कल सुबह हम धौलपुर से आगे निकलेंगे, चंबल में जाएंगे, जो डाकू एरिया है, डाकू नहीं बागी एरिया। पान सिंह तोमर फिल्म देखी थी हमने कल, तो उसमें पान सिंह तोमर कहते हैं ये बीहड़ों में तो बागी मिलते हैं, डकैत तो पार्लियामेंट में मिलते हैं साहब। तो वहाँ जाकर हम पान सिंह तोमर फिल्म की शूटिंग लोकेशन की वीडियो बनाएंगे, जिसको हम अपने दूसरे वाले चैनल पर अपलोड करेंगे। अभी बाज़ार चलते हैं, बाल बाल कटवा के आते हैं, कुछ सब्जी वगैरह घर का सामान जो है वो लेके आते हैं बाज़ार से। तो चलिए चलते हैं, आके फिर तैयारी करते हैं चलने की। अभी दोपहर के 11:30 बजे हैं, नहा धो के रेडी हो गया हूँ मैं अभी। ने मेरी आदत सी पड़ गई थी ऐसे, तो अभी यहीं पर हाथ गया मेरा ऐसे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करें भैया। तो रिजर्वेशन कर दिया मैंने आगरा के लिए यहाँ से, तो ट्रेन है हमारी 4:20 पर, यहाँ से करीब 2 या 2:30 बजे निकलना पड़ेगा, तभी हम खेड़ली पहुँच पाएंगे, क्योंकि यहाँ से पहले कठुमर जाना, कठुमर से फिर खेड़ली जाना। किसी का फ़ोन आ गया, वो देख लेता हूँ एक बार। भाभी का फ़ोन आ रहा है, अभी भाभी आई थे, कह रहे थे कि हमें बाज़ार जाना, बाज़ार से कुछ सामान लाना, उन्हीं का फ़ोन आ रहा, तो उनसे मैं बाद में बात करूँगा, पहले मैं खाना खा लेता हूँ। मम्मी ने खाना रख दिया यहाँ पर, कद्दू चप्पल की सब्ज़ी बनाई आज हमने, और दही है इसमें, उधर गुड़ है और इधर रोटियां रखी हुई हैं। रोटी खा लेते हैं फटाफट से, 12 बजे तक निकलेंगे यहाँ से, 1 घंटे में मार्केट से वापस आना, उसके बाद फिर जाने की तैयारी करनी है। अभी मैं खाना खा रहा था तब मुझे याद आया कि मेरा जो टिकट है वो शाम को 7:30 बजे वाली गाड़ी में हुआ है कन्फर्म। जब मैं सर्च कर रहा था आगरा के लिए ट्रेन, तो 2 ट्रेन दिखा रहा था, एक तो दिखा रहा था 4:20 पर, एक दिखा रहा था 7:25 पर। तो मैंने सोचा जो जल्दी मतलब पहले जा रही उसी में कर लेते हैं, उसमें मैंने क्लिक करके देखा तो उसमें सारी सीटें बिक चुकी थी, उसमें लिखा रहा था सोल्ड आउट। उसके बाद फिर मैंने 7:30 बजे वाली गाड़ी में चेक किया तो उसमें 5 सीट थी, तो उसमें फिर मैंने टिकट किया है। जब भी हम जा रहे हैं, भाभी बैठी पीछे, भाभी एक बार हेलो गाइस बोलो, जोर से बोलो आवाज ना भैया, हाय हाय, आओ मुंह तो दिखाओ ना, एक झलक दिखा दो थोड़ी सी, चलते इतना ही बहुत, इतने में कछु ना आए, अभी तो आवाज भी कम रिकॉर्ड है रही होगी। भाभी आज मैंने दाढ़ी बना ली, कैसे लग रहा हूँ मैं? टॉप जिला टॉप लागे लू है। अभी दोपहर का 1:30 बजा है और हम बाज़ार से घर आ गए हैं। भाभी ने तो बहुत सारा सामान खरीदा, तो वो मैं आपको गिना ही नहीं सकता, क्योंकि किसी लेडीज़ को आप साथ लेके जाओ बाज़ार तो बस 1-1.5 घंटा तो नॉर्मल मान के चलो, बहुत सारा सामान खरीदते हैं। तो जब हम घर मतलब गांव में एंट्री कर रहे थे, तो तभी एक डीजे दिखा हमें, मतलब गाँव में बज रहा था। कल जिसकी शादी में हम गए थे तो उन्हीं के आज शेर सौरा पूज रहे हैं। शेर सौरा आप समझते होंगे जैसे कि जो देवता होते हैं, उनका पूजन हो रहा है अभी। तो वहाँ पर डीजे बज रहा था, काफ़ी सारी भीड़ थी, तो भाभी ने बोला कि हम तुरंत ही डीजे में जाएंगे। हमने कहा भैया तुम खुरेगा किसने? तो भाभी जो सामान भी नहीं रखा भाभी ने ढंग से, बस जैसे हम आए थे बाज़ार से पूरा सामान वहीं छोड़ के मतलब घर में, और सीधे डीजे में चली गई। और मैं अभी घर पर ही हूँ, आपको डीजे की आवाज़ सुन रही हो, सुनाई दे रही होगी, अगर नहीं सुनाई दे रही हो तब सुनिए, आप सुनाई दे रही है आपको आवाज़। तो वहाँ चल के मैं एक दो क्लिप बनाऊँगा वीडियो, और तब तक मैं बता देता हूँ मैं क्या लाऊँ मार्केट से। तो मैं ये पानी ले कर आया हूँ, देखिए ये 5 लीटर का बोतल है, तो ये पानी मैं पीने के लिए नहीं लाया हूँ, ये मैं लाया हूँ इन्वर्टर की बैटरा के लिए। यार थोड़ी कमरा करूँ का कह रहा है, तो जग फोड़ ले लूँ जग का एक ग्लास ले छोटो यार, बैटरा ऊपर धर रहा है यार, के सपा कर गया पूरे हैं। मैं तो घंटी करूँ यार, देख ले धार बन जानी चाहिए, ऊपर बैठे गड्डी में ऊपर बैठने पड़ा, ऊपर चढ़ूंगा कैसे यार मैं, चढ़ जा तू, अभी ऊपर कैसे ना, हाँ हाँ ये इधर चढ़ जाऊँ, पकड़ो कुर्सी है,
कुर्सी है तो पकड़ ले वो कम ना। चल चल जा पकड़ कुर्सी तू पकड़ ले। बोतल दे खोल राखी देन कपड़ा भूल जाएंगे यार। ना खोल तो राखी टूट ना जाए पूरा डर हो रहेगा। रुक जा पकड़ ला ला घंटी कहाँ पे घंटी दे दे रही घंटी ला। करंट ना जाए आराम से नहीं इतना दिन ना आवे हटा ला नहीं तुमने। क्या रुपये का ही बोतल 100 रुपये का ही 5 लीटर 100 रुपये की आई 5 लीटर क्या हुआ ले क्या पकड़ियो आरोप कर दें तो आरोप लगा दूं तारन ने लगा दूं तारन आओ कर दे चालू इतना हटे लाइट कनेक्शन है। आगे तू क्या जो बता वही उतरू कैसे मेरे कौन लगे था चढ़ो आसान रहे उतरू ना रहे ना तो कुर्सी धरी गई आई है रहने कूद जा नीचे हाँ छोड़ जाएगी कूद जा कुर्सी ला। ये तो यार घोर संकट है। पाम धर ले आप पाम के धर यार कुछ पकड़े भी को नहीं है मैं पकड़ू ले एक हाथ मेरे पकड़ ले एक काम कर खाटला भार दे वीडियो बंद करता हूँ वीडियो है सुन वीडियो बंद करता हूँ वीडियो तो बंद करनी पड़ेगा तो वह खाटला यहाँ बेचा जब वो खाट है खाट पे मैं बताऊँ तो वीडियो बंद करके स्कूल दे दूँ उतरने की व्यवस्था इस कदर हुई है भाई यहाँ से यहाँ और यहाँ से पर यहाँ कुर्सी पे ठीक है और यहाँ से मैं कूद गया भाई साहब बियर गर्ल्स की तरह इसका खाट भर लिया है? खाट बिछवा रहा है कूद तो ऊपर से खाट टूट जा रही खाट टूट जा खटिया खड़ी कर दी टाइम है वो 3:30 से ज्यादा वो निकलना है 3:35 रही है तो वो 5 बजे निकलना है अब देख ले तू वो इधर कैमरा आजकल अब काम ना आवे कैमरा क्या करें। हेलो गाइस ओए हेलो गाइस देख तू कहां बैठे है अच्छा बंदर आए बंदर है। लोग हमसे जलते हैं इस बात से क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में आगे कैसे रे हवा के जैसे तू आती है आंधी की तरह मैं आता हूँ ऐसी दी सर ध्यान ना आएगा ना यार पूरा सिंह और वीडियो बनने एक बार हेलो बोल दे तू अरे जोर से बोल हेलो गाइज हेलो गाइज क्या दांत लग रहा तू यार छांट पे तो 3 दिन आते मैं देख रहा हूँ यार थोड़ा थोड़ा अर्पण एकदम कर दे सबरे अर्पण शिव सिंह यार छोटा सो नहीं मैं नाम 3 दिन लगा दिया अर्पण करवे में हाँ हैं अभी शाम के 5 बजे हैं और हमें भी निकलना चाहिए 2.5 घंटा बाकी है अभी हमारी ट्रेन आने में तो चाचा से बात करता हूँ चाचा छोड़ के आएंगे आज मुझे हमारी बाइक नहीं आज यहाँ पे पिताजी गए हैं बाहर प्रोग्राम में और इधर देखिए बच्चे लोग आ गए हैं ये देव देव हेलो बोल हेलो गाइज हेलो गाइज ऐसे करके
शाबाश। ये मीनू, मीनू बोल। अरे मीनू तुम बोल, एक बार और बोल। हेलो गाइज। हेलो गाइज, कैसे हो? कैसे हो? कहाँ से आए तुम? अब कहाँ से आए तुम? मैं तो ते पूछ रहा हूँ तू कहाँ से आई है। मीनू कौन है हमें? अरे कौन है हमें? देखिया यहाँ में, यहाँ देख यहाँ में। चले देव, ये फोटो तो खींच रहा है, देख यार नजदीक का। आजा आजा आजा, खींचो फोटो। बाय कर दे, चल बाय बाय बाय। अब हम आगरा जा रहे हैं। अरे हम मैं जा रहा हूँ। मीनू अंगूठा पी रहे, देखो। ओ लाला उठा दी। ओ ओ चो चो चो, मुड़ फोड़ दिया। ओरे छोरे मुड़ फोड़। कठमर चलें? 5 बजे आए, 7:30 बजे गाड़ी। चलो चलो चलो, मोटरसाइकिल निकालो। अभी आप मेरी हालत देख रहे हो, एक बैग पीछे टंगा है, एक बैग यहाँ टंगा है। ये वाला बैग कैमरे का, अभी तो थोड़ा बहुत शूट करूँगा यहाँ पे, कठमर पहुँचूँगा, फिर बाद में इसको रख लूँगा अंदर, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो है मोबाइल से व्लॉग शूट करेंगे। लाओ तो लाओ भाई, कैमरा कभी कभी फोकस ना कर रहे। अब सही कर रहा हूँ भाई, अभी चालू करिए दोबारा, बंद है की वीडियो पहले। चल कोर्ट का पहले, अभी कहीं कोर्ट की आवश्यकता ना। अभी आज का वार बुधवार है ना, पीछे धड़े छोड़ दे मोटरसाइकिल है। चाच बाय, ये बगल को चलो भाई, मैं पीछे धक्का दे लाऊं। चल रही है। हाय गाइस, हाय गाइस, मेरा चश्मा ना लाए जरा। आराम आराम, चलो चश्मा ना। यार टाइम अभी थोड़ा चेपा कुछ हो रहा है। अभी तो कहेगी ना, खैर मेरी आंखें में लग रही है। पसे थी सर तो लग रहा है। बस आ चुकी है, हम प्राइवेट बस से आते हैं तो यहीं पर उतार देती है। बस रोडवेज से आएंगे तो वो जो है बाईपास होकर आती है, तो रेल की पटरी को क्रॉस करते हुए जाती है वो बस। तो रोडवेज बस जो है इधर जाती है जयपुर की तरफ या फिर इधर बयाना की तरफ आगे, तो उसमें फायदा रहता है। तो
फाटकपुत्र जाते हैं, वहाँ से नज़दीक पड़ता है रेलवे स्टेशन। यहाँ सर्कल से करीब 1.5 किलोमीटर पड़ जाएगा। वैसे यहाँ से वो ई रिक्शा होते हैं वो चल रहे हैं, लेकिन ई रिक्शा में हम जाएंगे नहीं क्योंकि अभी 6 बजे 7:30 बजे ट्रेन है, 1.5 घंटा बाकी है। तो पैदल ही निकल लेते हैं, 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। गेट बहुत ही कम खोल रखा भाई, देखिए एक आदमी के पास अगर ज़्यादा सा सामान हो ना तो वो भी यहाँ से ना निकल पाए। देखिए मेरे पास 2 बैग में ही अटक गया। भाई साहब ये बहुत बढ़िया काम कर रखा है, देखिए पेड़ लगा रखे हैं बहुत गजब। बस में से जब मैं उतरा था तो 6 बज रहे थे, तो मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल स्पीड पर आया हूँ। तो अभी 6:15 हुई, यानी कि 15 मिनट में मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। जितना भी होगा 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आई डोंट नो, बट समथिंग इतना ही बताते हैं लोग। अभी ट्रेन के आने में 1.25 घंटा बाकी है, तो 1.25 घंटा तक हम क्या करेंगे यहाँ पे एक फिल्म देख लेते हैं। अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं चंबल साड़े में, वहाँ पर 2 फिल्मों की शूटिंग लोकेशन बनाएंगे हम। एक तो है पान सिंह तोमर और दूसरी है बैंडेड क्यून। तो पान सिंह तोमर फिल्म को मैं देख चुका हूँ, अभी एक फिल्म बची है बैंडेड क्यून, तो उसी को देख लेते हैं, जिससे कि हमें कहानी भी समझ में आ जाएगी क्या कहानी रही थी मतलब फूलन देवी के साथ में। इस डिब्बे में है हमारी सीट D12, ये है सुपर फास्ट स्पेशल एक्सप्रेस आगरा फोर्ट टू अजमेर। अभी ये अजमेर से आगरा की तरफ जा रही है। अभी हम पहुंच चुके हैं आगरा, ये है आगरा का ईदगाह रेलवे स्टेशन, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ईदगाह, और इधर लिखा है उर्दू में। और जो भाई साहब हमें लेने आए हैं वो हैं इधर हमारे अवन भाई। हेलो गाइस, अवन यदवंशी। ट्रेन का यहाँ पहुँचने का टाइम था 20:53, यानी कि 8:53, और अभी ये ट्रेन जो है 9:15 बजे पहुँचे, तो मतलब पूरे 22 मिनट लेट है गाड़ी। इतना तो चलता है भाई इंडिया में, ये कोई अमेरिका तो है नहीं कि यहाँ राइट टाइम गाड़ी पहुँच जाए। चलिए पहुँचते रूम पे। ये कहीं लाइट तो नहीं है ना, जब ज्यादा बड़ी लाइट रहे है ना, रोड लाइट लगी रहे या फिर कोई लाइट रहे कैमरा वैमरा की, जैसे कल मैं वीडियो बना रहा हूँ शादी में तो कैमरा वाली की लाइट लगी रही बड़ी वाली, तो वो लाइट हम बिल्कुल सफेद दिखे है, कुछ दिखे नहीं ना दे। अच्छा, और नगेंद्र के मोबाइल से बनाई कल वीडियो, भाई साहब बड़ी गुजब की आई। अरे बाइक आ रही है ना कि लाइट में बाइक दिखी ना रही, कौन सी बाइक है कैसे। अच्छा एक चीज और है ना, जो नाइट मोड में मतलब नाइट में अगर नाइट मोड पर ना सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली तो ना दे ज्यादा अच्छा फोटो। अरे लखन पे तिरंगा की कलर के क्या लोग रही है 32 ही ये अपने डोनाल्ड ट्रंप आओ। अच्छा आगरा वाला डोनाल्ड ट्रंप कब है यार, पिछली बार मतलब कब से का है, कौन से यही मारा मतलब 2021-22 में ही नहीं तो लॉकडाउन लगा उससे पहले। लॉकडाउन लगने से पहले आओ, जब लगाई है अरे तो खराब हो गई। ट्रंप काई को आया भाई आगरा में ताजमहल देख। अच्छा ट्रंप आ ताजमहल देखने, जब तिरंगा तिरंगा के लगाते पूरे शहर में कहेंगे पूरे शहर में। अरे यार कौन सा रोड पे? MG रोड है। आगरा में पूरे रोड पे लगाइए, क्या बात है यार।